अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सज्जाद एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस मैथमेटिक्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन। तो हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो बस इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन हमारे पास क्या होता है? अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y is a rule or correspondence that assigns to each element small x in capital X is a unique element small y in capital Y। तो जब बस इसकी डेफिनेशन है फंक्शन की, इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो हम इसकी डायग्राम अगर बनाएं, ये लेट कर लिया हमारे पास कोई सेट X है, इसी तरह हमने दो सेट लेने हैं फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। तो हम दो सेट ले लेंगे इसमें, ये हमारे पास सेट एक्स है और अगर हम एक सेट वाई ले लें, ये हमारे पास कोई सेट वाई है। तो इसके दरमियान हमने एक फंक्शन बनाना है, तो इसके दरमियान हम एक फंक्शन बना देते हैं। ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन। तो यहां तक तो हमने समझ लिया, अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। अब हमने आगे इसमें बनाना है कि रूल है या फिर हमारे पास क्रॉसपोंडेंस है दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स अ यूनिक एलिमेंट स्मॉल वाई इन कैपिटल वाई। तो जो हमारे पास कैपिटल एक्स है, इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे हम उसको वेरिएबल एक्स करेंगे, स्मॉल एक्स। और इसी तरह जो हमारे पास कैपिटल वाई का सेट है, इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल वाई एलिमेंट्स, यानी वो भी वेरिएबल वाई होंगे। तो हम एक्स में सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी, और अगर हम इसमें लेट कर लें ई एफ जी एच ई, आइए अगर हम देखें, तो हमने इसके दरमियान क्या बनानी है? रूल या क्रॉसपोंडेंस बनानी है। तो हम इसके दरमियान रूल या क्रॉसपोंडेंस बना लेते हैं। लेट सपोज ए का एफ के साथ क्रॉसपोंडेंस है, B का E के साथ है, C का G के साथ है और D का I के साथ है। तो जब हम फंक्शन बना रहते हैं, जिस सेट से हम लेके जा रहे हैं उसके एलिमेंट्स नहीं बचने चाहिए, और जिसमें हमारे पास इसकी इमेजेस होती हैं उसमें अगर एलिमेंट्स बच भी जाएं तो नो इशू। इसमें एलिमेंट्स, इसमें हर एलिमेंट्स की इसमें इमेज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बन गया फंक्शन, एक हमने बना लिया फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। और जो हमारे पास ये कंडीशन थी कि जो हमारे पास हर एलिमेंट एक्स में होता है उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए स्मॉल वाई इन कैपिटल वाई। तो हम देखें, जो हमारे पास सेट एक्स है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इन सब एलिमेंट्स के लिए वाई में एक यूनिक एलिमेंट उसकी इमेज के तौर पर मौजूद है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन बन गया। तो अब जो हमारे पास सेट एक्स है, ये जो हमारे पास सेट एक्स है और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास जो सेट एक्स होगा ये फंक्शन की डोमेन बनाएगा, और जो हमारे पास सेट वाई है, और सेट वाई में हमारे पास वो एलिमेंट्स जो स्मॉल एक्स के हमने इनके साथ क्रॉसपोंडेंस बनाई थी। तो जो हमारे पास एज है ये रेंज ऑफ फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास एज है ये सेट ऑफ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट नहीं है। यानी जो हमारे पास एक्स के साथ हमने वाई में जो क्रॉसपोंडेंस बनाई थी, एज तो किसी एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस नहीं बना रहा। तो जो हमारे पास एज है ये रेंज ऑफ फंक्शन नहीं होगा। जो एलिमेंट इसके साथ कोई क्रॉसपोंडेंस बना रहा होगा वो एलिमेंट होगा रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसके हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? द सेट ऑफ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स मीन जो इसके साथ क्रॉसपोंड कर रहे हैं, यानी ई भी कर रहा है बी के साथ, एफ कर रहा है ए के साथ, जी कर रहा है सी के साथ, एच नहीं कर रहा तो एच इंक्लूड नहीं होगा। द सेट ऑफ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स स्मॉल वाई इन कैपिटल वाई इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास एच को छोड़ के बाकी जो हमारे पास जितने भी वाई में एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके साथ क्रॉसपोंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन बनाएंगे। और हमारे पास y में जितने भी टोटल एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो क्रॉसपोंडिंग कर रही है या नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं कोडोमेन। h e f g h and i जो हमारे पास है, ये तमाम एलिमेंट्स क्या बनाएंगे? कोडोमेन।
तो ये हमारे पास बनाएंगे कोडोमेन। तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोडोमेन बनाते हैं, लेकिन उसमें हम जितने भी एलिमेंट्स ले लेंगे, और वो एलिमेंट्स जो क्रॉसपॉन्ड कर रहे होते हैं वाई सेट में, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो हमने यहाँ पे डोमेन और रेंज को भी डिस्कस कर लिया, कोडोमेन का भी मैंने बता दिया कि जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हम जिस सेट में लेंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, कोडोमेन। बट वो एलिमेंट्स जो क्रॉसपॉन्डिंग कर रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो जो हमारे पास ये कैपिटल एक्स का सेट होता है, इसमें हमारे पास जितने भी हम एलिमेंट्स लेते हैं, लेट्स इनको हम कहते हैं कि हमारे पास है वेरिएबल एक्स है। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक्स। और जो हमारे पास एक्स सेट होता है, ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे पास एक्स होता है। इसी तरह हम वाई में जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है वेरिएबल्स वाई। और जो वेरिएबल वाई होता है ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम एक एग्जांपल करेंगे तो उसमें समझेंगे कि हमारे पास ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे है। और जो हमारे पास फंक्शन होता है, एक हमारे पास स्विस मैथमेटिशियन है आयलर, उसने जो हमारे पास एक सिंपल इन्वेंट किया था कि जो हमारे पास वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको एक स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने इन्वेंट किया था इस सिंबल को। तो ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है, आपने इसको दिमाग में रख लेना है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो सिंबल है इसको स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने इन्वेंट किया था। तो हमारे पास सेट एक्स में जितने भी वेरिएबल्स एक्स होंगे ये हमारे पास होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जितने भी वाई सेट में वेरिएबल्स वाई होंगे इस ये हमारे पास होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हमारे पास अगर हम कोई लेट करने के हमारे पास फंक्शन है, इसको समझते हैं कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे हैं। लेट हमने कर लिया कि हमारे पास वाई है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने कर लिया कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है इसमें हम एक्स की वैल्यू को चूज खुद से कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने कर लिया कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन है, तो जब मैंने एक्स को वन लेट किया तो मेरे पास यहां पे क्या बन गया, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने उससे चूज किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंडिपेंडेंट। जो इसको हम खुद से चूज कर सके वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। तो अब जब हम वन एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन वन का स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर ये हमारे पास टू आ गया, वन का स्क्वायर प्लस वन टू हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी वाई की वैल्यू। तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई की वैल्यू को हम खुद से चूज नहीं करेंगे, एक्स की वैल्यू को हमने खुद से चूज किया तो वो हो गई इंडिपेंडेंट। जब हम एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है वाई। तो वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स पे, तो वाई को हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वाई है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है, और जो हमारे पास एक्स है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वाई है ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने इसकी डेफिनेशन डोमेन रेंज को डिस्कस कर लिया। अब एक हमारे पास होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल एक्स है अगर हम उसके लिए कोई रियल वैल्यू को चूज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन, वन हमारे पास कोई रियल नंबर है, ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो जो हमारे पास फंक्शन का आंसर आया वो भी कोई रियल आंसर आ गया, रियल नंबर का ही आंसर है। वाई इज इक्वल टू टू, टू भी हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो जब हम वेरिएबल एक्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी कोई रियल नंबर चूज कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। वेरिएबल एक्स को जब हम रियल नंबर कोई चूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हमने फंक्शन को समझ के लिया, उसके बाद डोमेन रेंज, उसके बाद हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी डिस्कस किया, हमने रियल वैल्यूड फंक्शन को भी देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल एक्स होता है अगर हम उसको रियल वैल्यूड कोई नंबर चूज कर लेते हैं तो वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। तो हम इसकी एग्जाम्पल नंबर वन को आगे डिस्कस करते हैं। फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज गिवन है, यानी हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ वन प्लस एक्स एंड एफ ऑफ वन ओवर एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास
फंक्शन यहाँ पे गिवन है f(x)(2x)2 + 4x - 1। तो जब हमने f0 फाइंड करना है, f0 मतलब हमने यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f0। तो हम इसकी फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा f0 यहाँ पे 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने x की जगह 1 पुट कर देना है, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें आपने x की जगह माइनस 2 पुट कर देना है। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर इसकी फोर पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर पार्ट क्या है f(1+x)। फोर्थ पार्ट में हमने अब f(1+x) है तो हमने क्या करना है, जहां जहां पे x होगा वहां पे हमने 1+x पुट कर देना है। तो अब हम x की जगह 1+x पुट करते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा f(1+x)=1+x³ हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1+x³ - 2 × 1+x² + 4 × 1+x - 1। अब हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज है, हमने इसको ओपन करना है इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो हमारे पास है यहाँ पे 1+x³, यानी यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करना है a+b³, और यहाँ पे a+b² तो यहाँ पे हम अगर इसके फॉर्मूलाज को देखें तो हमारे पास a+b का जो क्यूब होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a+b³ a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी तरह जो हमारे पास a+b² होता है ये होता है a² + 2ab + b². तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1³ + 3a² b लेना है तो ये 3x हो जाएगा। इसी तरह जब हम 3ab² करेंगे तो हमारे पास 3x² हो जाएगा, और जब हम इसका b² करेंगे और एंड पे जब हमने इसका b³ करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा x³ - 2। इसी तरह हमने a+b का स्क्वायर ओपन करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab² हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 + 4x - 1। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 और ये हमारे पास है +1, तो ये कट आउट हो जाएंगे। अब हम इस 2 को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x + 3x² + x³ - 2 - 4x - 2x² + 4 + 4x। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कुछ कट है तो हम उसको काट देंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे +4x है तो यहाँ पे -4x ये इससे कट हो गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे अगर हम देखें x³ की फॉर्म में, बाकी हमारे पास x³ में कोई भी नहीं है तो x³ को हम एक साइड पे लिख देते हैं, ये हमारे पास x³ आ गया। उसके बाद अगर हम x² के टर्म्स को देखें, यहाँ पे हमारे पास 3x² है और यहाँ पे हमारे पास है -2x², तो 3 - 2 + x² के टर्म्स को हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास अगर हम x के टर्म्स को देखें तो हमारे पास x के टर्म्स यहाँ पे सिर्फ 3x बच गया, 3x, और ये कांस्टेंट सिर्फ +4 - 2 तो ये +2, तो ये हमने फाइंड कर लिया f(1+x)। ये हमने इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम अगर इसके फिफ्थ पार्ट को देखें तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है f(1/x), तो फिफ्थ पार्ट में हमने फाइंड करना है f(1/x). अब जो हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x), इसकी जगह हमने x की जगह 1/x पुट कर देना है, तो हम x 1/x पुट करते हैं इस फंक्शन में। ये हमारे पास f(1/x) यानी 1/x³ - 2 1/x² + 4 × 1/x - 1। तो 1/x³ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/x³ - 2 ×
वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन ओवर एक्स और माइनस वन। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, इतना ही आएगा। और हमारे पास कंडीशन थी कि x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारे पास x नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर वन को डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने फंक्शन डोमेन रेंज और रियल वैल्यू फंक्शन को देखा और हमने एग्जांपल नंबर वन को भी डिस्कस किया। तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।